कमाल की आवाज, गजब की रफ्तार, कलाबाजी की अदा, दुनिया है जिस पर फिदा। कुछ ऐसा है तेजस का तेज, जब आसमान में गुलाटी भरता है तो दुश्मन का दिल दहलता है। न जवाब देने का मौका मिल पाता, न इसकी चाल को समझ पाता। राजनाथ सिंह जब तेजस में उड़ान भरने वाले देश के पहले रक्षा मंत्री बने तो वो भी इसकी खूबियों पर निसार हो गए। तो आप नहीं जानना चाहेंगे तेजस के तेज के बारे में? तो इसकी सबसे बड़ी खूबी है इसका कम वजन। लेकिन वजन बताने से पहले आपको ये भी बता दें कि ये भारत में ही तैयार फाइटर जेट है, जिसका इंजन अमेरिकी है और रडार व हथियार इजरायली। इसकी एक खेप को इंडियन एयर फोर्स ने पहले ही अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। तो तेजस का वजन है 6,560 किलोग्राम। ये हल्का इसलिए है क्योंकि इसका ढांचा कार्बन फाइबर से बना हुआ है, मगर फिर भी ये दूसरे विमानों से कहीं ज्यादा मजबूत है। ये पलक झपकते ही 50,000 फीट की ऊंचाई को छू सकता है। जंग के मैदान में ये न सिर्फ दुश्मन पर हमला करने में सक्षम है, बल्कि सही निशाने पर हथियार गिराना इसकी उससे भी बड़ी महारत है। ये हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों मोड पर बेहतरीन प्रदर्शन करता है। इसे उड़ान भरने के लिए आधे किलोमीटर से भी कम जगह की जरूरत पड़ती है और अरेस्टेड लैंडिंग का तो ये मास्टर है, यानी इसे युद्ध पोत पर भी आसानी से उतारा जा सकता है। इसका रखरखाव बेहद ही सस्ता है, इस मामले में तो ये सुखोई 30 को भी पीछे छोड़ देता है। इसमें सेंसर से मिलने वाले डेटा को प्रोसेस करने वाले मिशन कंप्यूटर का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ओपन आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसका मतलब ये होता है कि इसे भविष्य में जरूरत के हिसाब से कभी भी अपग्रेड किया जा सकता है। चीन और पाकिस्तान द्वारा मिलकर तैयार किए गए JF-17 को ये टक्कर देता है। ये एक बार में जहां 2300 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो थंडर 2307 किलोमीटर। ये हवा में ही ईंधन भर सकता है, जबकि थंडर में ये खूबी है ही नहीं। तो अब बताइए दोस्तों, क्या कहेंगे तेजस के तेज के बारे में?